2024 वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट। देखिए इस महीने में मैं इस महीने को तीन हिस्से में बांट सकता हूं। जो 12 जून तक का जो समय है ये आपका संतानमय समय है, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ पॉजिटिव बातों का समय है, यानी कि आपके बच्चों के साथ, आपके संतान के साथ। स्टूडेंट के लिए भी 12 जून तक का समय बड़ा अच्छा है। क्रिएटिविटी का, जो आप जिसके सर्जक हैं उसके साथ के लिए बहुत अच्छा समय। 29 मई से 12 जून तक का, 13 जून से 27 जून तक का जो समय है, ये घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बात करते तक वह केयरफुल रहिएगा, उनके साथ डिबेट में नहीं उतरिएगा। और ये झगड़े का टाइम है, खर्च का टाइम है बड़ों के साथ का, अवॉइड करिएगा। 28 जून से 12 जुलाई अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका, पार्टनरशिप का बड़ा ऑफर, पब्लिक रिकग्निशन, मतलब समाज में आपको बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है। इस महीने में कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन होगा, शत्रु विजय होगा, लेकिन आप अपनों से लड़ते हैं वो दूर रहें उससे, आपके अपने लड़ते हैं वहां सरेंडर हो जाओ, जिसके साथ जीना है उसके साथ जीतना छोड़ दो, ये स्लोगन याद रखें आप। कोई बहुत बड़ी लोन प्लान हो सकती है इस महीने में। और काम धंधे के लिए 19 से 23 मिरेकल है। आपको बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, दोनों की चीज के लिए 19 से 23 बहुत बेस्ट है काम धंधे के लिए। हेल्थ के लिए 1 से 5 केयरफुल रहिएगा। और 1 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे की बात की बात। और आपको स्ट्रेसफुल टाइम है 10, 11, 12, 13, 14 तक का टाइम, तनाव रहेगा। और 28, 29, 30 और 1 जुलाई आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। सडनली कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको, आपके पीछे षड्यंत्र चलेंगे 28, 29, 30 में, बट टू द बेस्ट। देखिए वहां बहुत बड़ा मौके की उसके कगार पर भी है आप 28, 29, 30 के बाद 12 जुलाई तक। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है 12 जुलाई तक, 28 जून से। टेक दैट एडवांटेज, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा। और मैंने जो केयरफुल रहने के लिए जो तारीख बताया, 1 से 5, 10 से 14 और 28 से 1 जुलाई तक का टाइम, थोड़े डिसीजन मेकिंग में इसको कैलेंडर पर रिमार्क करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार करें। थैंक यू वेरी मच।